नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपने घर के छत का स्टेजिंग करते हैं, स्टेजिंग करने के बाद उसके ऊपर हम लोग जो छत के लिए प्लेट चाहे प्लाई रखते हैं उसमें कौन सा सही रहेगा। अब यहाँ पे प्लाई सही है या प्लेट सही है। अब प्लेट मतलब हो गया कि आपका MS का माइल्ड स्टील लोहा का प्लेट आता है, उसको रखना, उससे स्टेजिंग करें चाहे प्लाईवुड से स्टेजिंग करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और दोनों में फिनिशिंग किसका आएगा, चलते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, कोई भी हम पहले प्लाई लेके चलते हैं, प्लाई की बात करते हैं। प्लाई जो आता है आपका साइज में, ये आता है 4 फीट बाय 8 फीट का, ठीक है। और प्लेट जो आता है MS का प्लेट माइल स्टील का, ये आता है आपका 2 फीट बाय 3 फीट के आसपास होता है। तो इस तरीके से ये 8 फीट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, हम आपको एक लमसम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब छत का जो आपका स्टेजिंग करेंगे उसमें प्लाई यूज़ करेंगे, ये आपका 8 फीट बाय 4 फीट का एरिया कवर करेगा, ज्वाइंट आपका कम रहेगा। अगर इसका हम ज्वाइंट दूसरा प्लाई के साथ करते हैं, ठीक है, तो ज्वाइंट आपका एकदम जो है बहुत ही गुड रहता है, अच्छा रहेगा ये ज्वाइंट। लेकिन हम बात करते हैं प्लेट की, तो ये प्लेट क्या है कि भाई इसका नंबर ऑफ ज्वाइंट आपका जो है बहुत ज़्यादा रहता है। और कुछ समय ऐसा होता है कि प्लेट आपका ख़राब हो जाता है, तो कुछ ऊपर कुछ नीचे इस तरीके से रहता है, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम कहा जाए इसको प्लेट और प्लाई को लेकर के, टोटल यहाँ पे सिंगल में हो गया, यहाँ पे अप्रोक्स हम बता रहे, फिर से बता रहे, एक्यूरेट नहीं बता रहा, अप्रोक्स लगभग आपका जो है 6 लगेगा। ये एक में हो जाएगा 1 = 6, जहाँ पे आपको 6 प्लेट की ज़रूरत लगेगी वहाँ पे आपको एक प्लाई में ही हो जाएगा स्टेजिंग। और नंबर ऑफ ज्वाइंट देख लीजिए कितना आ रहा है, इतना सारा ज्वाइंट, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल आपका ज्वाइंट आ रहा है। जब आप कैसे स्टेजिंग करेंगे ऊपर से खोलेंगे तो आपको बहुत ही कुछ उबर खाबड़ ऊपर नीचे देखेगा। और एक समय आता है कि प्लाई प्लेट क्या होता है, गहरा कोना टूटा हुआ, फिर ये ज्वाइंट आपका जो है नहीं मिलता है, तो बीच में जब कंक्रीट पोरिंग करते हैं तो सीमेंट सलरी नीचे से गिरते जाता है। लेकिन प्लाई में इस तरह का नहीं, प्लाई में आपका मैक्सिमम एरिया कवर हो जा रहा है, सिंगल में 1, इधर आपको क्या है 6 और अप्रॉक्स। अब आप ही बताइए दोनों में से कौन सा सही है, यहाँ पे सिंगल ज्वाइंट, यहाँ पे 12 ज्वाइंट हो जा रहा है, 12 ज्वाइंट अभी हम काउंट करके बताया था आपको। बेटर है आपका जो है प्लाई इस्तेमाल करना, ठीक है। जब भी कभी आप प्लाई बोर्ड इस्तेमाल करेंगे आपका फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा, प्लेट इस्तेमाल करेंगे आपका नीचे का जो कवर आएगा, छत के नीचे का जो कवर सरिया, और जैसे ये आपका प्लेट हो गया, ये प्लेट हो गया और यहाँ ज्वाइंट हो गया, इसका कुछ प्लेट ऊपर रहेगा कुछ नीचा रहेगा, इस तरह से रहता है। तो कवर भी आपका सरिया का कवर जो है प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा। ऊपर तो आप जो एकदम फिनिशिंग मार देंगे एकदम अच्छा से, लेकिन नीचे का जो कंक्रीट का फिनिशिंग जब करेंगे आप डिसटिंग करेंगे तो आपको सही तरीके से नहीं रहेगा, इसलिए मैं रिफ़र करूँगा। हाँ, प्लाई आप 3 से 4 टाइम यूज कर सकते हैं, प्लेट आप मैक्सिमम टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपका हैवी भी रहेगा और प्लेट जो है ज़्यादा ख़राब हो जाने के बाद तब भी कॉन्ट्रैक्टर लोग यूज़ करते हैं, जिससे क्या है कि भाई आपका घर का जो है छत का फिनिशिंग अच्छी तरह से नहीं होता है और छत का जो थिकनेस होता है वो आपका प्रॉपर नहीं होता। कि अगर 5 इंची का थिकनेस है कहीं पर 4 इंची मिल रहा है, कहीं 4.5 इंची मिल रहा है, कहीं 5 है, कहीं 5.5, कहीं 6 तक भी पहुंच जाता है। इस हिसाब से प्लेट जो है उबर खबर होता है। और प्लेट एक समय क्या होता है कि भाई कि आपका जो है ऐसे करके हो जाएगा, नीचे गड्ढा हो जाएगा, ऐसे ऐसे गड्ढा हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, ऐसे बैंड हो जाएगा, और ये भी ऐसे बैंड हो जाएगा, तो दूसरा प्लेट का जो ज्वाइंट जो है बीच में नहीं रहता है तो नीचे का सलरी नीचे गिरता है। इसलिए
प्लेट कोशिश करें, अगर प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो नया प्लेट यूज़ कीजिए जिसका प्रॉपर फिनिशिंग रहता है, पुराना प्लेट नहीं यूज़ करना। और प्लाई भी जो है, प्लाई तो आप दो तीन से चार बार इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिक ख़राब हो जाता है, तो प्लाई भी आपको नया प्लाई यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल वाला सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाए उसको क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।